arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर रचिता। दास वंश के पतन के कारण। दिल्ली की गद्दी पर 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश के सुल्तानों ने शासन किया। इस प्रकार 100 वर्षों के अंदर ही इस वंश का अंत हो गया और दिल्ली में नए राजवंश खिलजी वंश की स्थापना हुई। गुलाम वंश के पतन के महत्वपूर्ण कारण निम्न हैं। सुल्तानों का विदेशी होना। मुसलमान सुल्तान भारत में अभी तक विदेशी माने जाते थे तथा उन्हें जनता का सहयोग प्राप्त नहीं था। अभी तक हिंदुओं में मुस्लिम साम्राज्य के प्रति विश्वास की भावना उत्पन्न नहीं हुई थी एवं सुल्तानों की शासन व्यवस्था विदेशी थी जो कुरान पर आधारित होती थी। इस व्यवस्था का सिद्धांत भारतीय न होकर गजनी, गोर तथा बगदाद से लिए हुए थे जिस कारण भारत में उनको लागू करना अत्यंत कठिन होता था तथा भारतीयों द्वारा उनका सदैव विरोध होता रहता था। उत्तराधिकार के नियम का अभाव। गुलाम वंश में शक्ति के बल पर ही गद्दी प्राप्त करने का नियम था। इस प्रकार वंश का 84 वर्षों का इतिहास रक्तपात पूर्ण रहा जिसमें गुलाम वंश की शक्ति क्षीण हो गई थी। सैनिक शक्ति का अभाव। नव स्थापित तुर्की सल्तनत का आधार सैनिक शक्ति और राज्य में दृढ़ केंद्रीय सत्ता थी। यह दीर्घ काल तक नहीं रह सकी। उस युग में तलवार और ताकत निर्णायक मानी जाती थी। जो सुल्तान योग्य और बलशाली होकर सेना और शक्ति का समुचित उपयोग कर सकता था वही सफल होता था। अनेक असमर्थ, विलासी और निकम्मे सुल्तानों के हाथ में सत्ता आ जाने से वे शक्ति के उपयोग में असमर्थ रहे और सत्ता उनके हाथों से छिन गई तथा साम्राज्य का पतन हो गया। प्रजा में सहानुभूति का अभाव। गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 ईस्वी तक राज्य किया किंतु इतने लंबे समय में भी दास वंश के शासक प्रजाप्रिय न बन सके। उन्हें प्रजा की सहानुभूति प्राप्त नहीं हुई जो कि स्थायी राज्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि गुलाम वंश के शासकों ने रक्त और लौह की नीति का अनुसरण करके भारतीय जनता को कुचल दिया था किंतु बार बार परास्त होने पर भी भारत की राष्ट्रीय भावना मुसलमानों का विरोध करती रही। उस समय भारत में अनेक जातियां छोटे छोटे राजवंशों में बटी हुई थी। हिंदू सामंत अफसर की तलाश में रहते थे। वे कमजोर शासकों के विरुद्ध उत्पात मचाने का प्रयत्न करते थे। इस युग में प्रजा राजा की आज्ञाओं का सतह पालन नहीं करती थी। अमीरों की शक्ति का उत्कर्ष। भारत में सुल्तान विदेशी होने के कारण अपने कृपा पात्र मुसलमान सरदारों पर ही विशेष निर्भर करते थे। इन अमीरों को सुल्तान की ओर से उच्च पद प्राप्त होते थे तथा सुल्तान इनसे समय पर धन एवं सेना की सहायता की आशा रखता था। इन अमीरों को बड़ी बड़ी जागीर प्राप्त होती थी तथा इनकी शक्ति बहुत बड़ी चढ़ी होती थी। दुर्बल उत्तराधिकारी। गुलाम वंश के सुल्तानों में कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश और बलबन ही योग्य और समर्थ सुल्तान थे। इनके उत्तराधिकारी शक्तिहीन, अयोग्य, विलासी और निकम्मे थे। यद्यपि रजिया में राज्योचित गुण और वीरता थी पर उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता उसका नारी होना था। ऐसे युग में केवल सेनापति के गुणों से युक्त योग्यतम सुल्तान ही दीर्घ काल तक शासन कर सकता था। इनके अभाव में गुलाम वंश का पतन हो गया। मंगोल आक्रमण। इल्तुतमिश काल से ही मंगोल आक्रमण का भय भारत में फैल गया था। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों को मंगोलों के रूप में भयंकर आपत्ति का सामना करना पड़ा था। विदेशी आक्रमणों से दिल्ली का साम्राज्य निर्मल एवं पतनोन्मुख होने लगा तथा बलबन के उपरांत इन आक्रमणकारियों को रोकने के लिए पुनः शक्तिशाली सुल्तानों की आवश्यकता पड़ी। अतः गुलाम वंश का अंत करके जलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान का पद धारण किया। हिंदुओं का दमन और इनका विरोध। समस्त गुलाम सुल्तान हिंदुओं के प्रति असहिष्णु और अनुदार रहे। उन्होंने हिंदुओं के साथ बर्बरता और क्रूरता का व्यवहार किया और उन्हें भौतिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया। बलबन ने तो अत्यंत ही निशंसता से भीषण नरसंहार करके हिंदुओं की शक्ति को कुचलने के प्रयास किए। गुलामों की महत्वाकांक्षाएं एवं विरोध।
लेन पुल के अनुसार गुलाम वंश के पतन का महान कारण गुलाम की प्रथा थी। यह गुलाम जिनको सुल्तान खरीद लेते थे अपने स्वामी के समान ही होने का प्रयत्न करते थे। उनकी इस इच्छा के कारण राजकुमारों तथा गुलामों में बराबर झगड़ा रहा। ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश और नासिरुद्दीन महमूद के बाद बलबन ने राज्य का अपहरण कर लिया था। इन दासों के दो वर्ग थे जो पारस्परिक कलह के शिकार भी बनते रहे। लोक कल्याण की भावना का अभाव। गुलाम वंश के शासक अपने पारस्परिक झगड़ों को मिटाने, साम्राज्य विस्तार करने तथा विदेशियों के आक्रमण को रोकने में लगे रहे। उनका ध्यान जनता के हित की ओर नहीं गया और उन्होंने प्रजा हित के कार्य नहीं किए, इसलिए प्रजा ने गुलाम वंश के अंतिम शासक कैकुबाद का अंत कर दिया। arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।